नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों शाम के 9 बज चुके हैं, जल्दी से लाइव हो जाओ ताकि हम आज की क्लास शीघ्र ही शुरू कर सके। दोस्तों मैंने आज साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है शाम को 9 बजे साइंस की क्लास होती है, तो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम काफ़ी सारे करने वाले हैं। जो भी होगा आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, इसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आओ ताकि सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सके। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है हमारी साइंस की क्लास का टाइम है शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे दोस्तों हमेशा लाइव आ जाना। 9 बजे साइंस की क्लास होती है, एक बार टाइमिंग आपको बता देता हूँ। और 27 जनवरी से दोस्तों मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी, वो होगी दोस्तों सुबह सुबह कितने बजे, 7:30 बजे। जैसा कि आप सबको मालूम है सुबह 7:30 बजे किसकी क्लास होगी, मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जो कि 27 से शुरू होगा नया बेंच। और शाम को ये साइंस की क्लास होगी दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है जो शनिवार और रविवार की दोस्तों हमारी छुट्टी रहती है। रविवार को आपको बताया मॉडल टेस्ट करवा देते कई बार, तो वो भी आप चेक कर लेना, रविवार को मॉडल टेस्ट करवाऊंगा। और हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लास होगी साइंस और मैथ की। चलिए दोस्तों बिना देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सबको बताया रबर के संश्लेषण, यानी रबर एक आपको बताया संश्लेषित या बात करें कृत्रिम है, तो इसके मतलब संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है आइसोप्रीन का बहुलक है, ऐसे भी आ सकता है रबर किसका बहुलक है, तो रबर है दोस्तों वो आइसोप्रीन का बहुलक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अमोनिया का सूत्र भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, NH3 होता है। ये जो भी क्वेश्चन साथ साथ बनते हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, तो उससे दोस्तों आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें मतलब क्या मिलाया जाता है ताकि हम आभूषण बना सके, तांबा मिलाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे रहे हैं दोस्तों, साथ साथ लाइव चैट में आप जवाब देते रहेगा ताकि आपको भी पता चले कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। आप सबको पता है पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और जो विद्युत की क्या है दोस्तों, कुचालक है। चलिए दोस्तों और प्लेटिनम आपको पता ही है, प्लेटिनम सबसे मतलब हम बात करें तो महंगी धातु के रूप में प्लेटिनम जानी जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो दोस्तों नाइलॉन बनाने में मतलब कच्चा पदार्थ कौन सा यूज लिया जाता है, आप सबको पता है ADP कमल यूज में लिया जाता है नाइलॉन बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, मोमबत्ती का जलना कैसा प्रक्रम है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, आप सबको पता होगा मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रम है। दोस्तों ये एक रासायनिक प्रक्रम है, क्योंकि मोमबत्ती जलने के बाद आपको पता है वो मतलब हम कह सकते हैं वैसे राख बन जाए या जो भी है, मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। और बालों का सफ़ेद होना भी आपको पता है रासायनिक प्रक्रम है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जबकि मक्खन का पिघलना है, बर्फ का जमना है, ये दोस्तों क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको पता है बेरियम के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है, बेरियम के कारण होता है, सोडियम का मतलब प्रतीक भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है Na होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है कोई भी पदार्थ होता है ठोस होता है, उसको गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आता है, तो उसको मतलब हम कहते हैं गलना मतलब बदलता है द्रव अवस्था में। जबकि आपको पता है कपूर ऐसा पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदलता है दोस्तों, ये ठोस से, ये ध्यान रखना है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, ठोस से डायरेक्ट किस में बदलता है, गैस में। जबकि बाकी लगभग पदार्थ है वो क्या है, पहले ठोस से गर्म करते हैं तो द्रव में बदलते हैं फिर गैस में बदलते हैं, जबकि कपूर ऐसा पदार्थ है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता है अभी फिलहाल में 19 जनवरी को एग्जाम हुआ उनमें आया था, यहाँ मतलब अक्रिय धातु की बात करें दोस्तों, ये शब्द आप नोट कर लो, क्या क्या शब्द आ सकते हैं इसके लिए, अक्रिय धातु या कहे नोबेल धातु या कह क्या कह सकते हैं दोस्तों, नोबेल धातु, नोबेल धातु इसी को कहते हैं, ठीक है ना, नोबेल का मतलब होता है अक्रिय,
और हम कह सकते हैं उत्कृष्ट धातु भी दोस्तों कह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अकिरी धातु के नाम है, तो आपको पता है ऐसा मतलब कौन सी धातु है जो अकिरी या कई मतलब क्रिया कम करती है, आपको पता है सोना होता है, कौन होता है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में आपको सोना दे रखा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आया था अभी 19 जनवरी का एग्जाम था, उसमें नाम चेंज किया था, नोबेल लिखा हुआ था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, या अकिरी भी लिख सकता है या उत्कृष्ट भी लिख सकता है, आपको पता है, दो चार नाम और लिख लो, सोना है, प्लेटिनम है दोस्तों, ये क्या है, प्लेटिनम है, ये भी क्या है, क्रिय धातु है, और बात करें तो जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, चांदी चांदी है, ये क्या होती है दोस्तों, अक्रिय धातु या कहे उत्कृष्ट धातु या नोबेल धातु होती है दोस्तों, ये नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। और सबसे महंगी धातु दोस्तों आपको पता है प्लेटिनम मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और आपको उत्कृष्ट गैस की बात करें तो आपको पता है अंतिम आवर्त वाली जो होती है वो आपको पता है आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, वो क्या होती है, अकिरे गैस होती है, गैस भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, आपको पता है पुराने जो चित्र होते हैं उनको मतलब फिर से उबारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है हाइड्रोजन परोक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका, हाइड्रोजन परोक्साइड, दोस्तों जल्दी से सूत्र बताइए, हाइड्रोजन परोक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन परोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, H2O2 दोस्तों किसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन परोक्साइड का होता है, जबकि H2O जल का सूत्र होता है दोस्तों, दोनों ध्यान रखना है, जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2 होता है, भारी जल का D2O होता है, और ये होता है हाइड्रोजन परोक्साइड का सूत्र H2O2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिकों को बनाता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, लाइव चैट में देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों आप सबको पता है क्रोमियम है, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा दोस्तों, ए राइट होगा, यानी क्रोमियम है जो कि सभी रंगीन मतलब यौगिक बनाता है। चलिए दोस्तों आपको पता है सोडियम है, वो चाकू से काटा जा सकता है, ये आपको पता है आग पकड़ लेता है जो मतलब, इसलिए इसको केरोसिन में दबा मतलब डुबो कर रखा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए दोस्तों, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व दोस्तों कौन है, हाइड्रोजन है, आपको ध्यान रखना है, और सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों, हीलियम है, सबसे सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन है, क्योंकि गैस हाइड्रोजन भी क्या गैस है, तो सबसे हल्की गैस कह दी या तत्व कह दी तब हाइड्रोजन है, और सबसे हल्की हम बात करें धातु की तो आपको बताए हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या आता है, लीथियम आता है, सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, लीथियम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, सोना किस अमल में घुल जाता है दोस्तों, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं, जल्दी से दोस्तों जवाब दो, काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइव हुए, जवाब भी आपको देना चाहिए। तो आपको पता है सोना किस में घुल जाता है दोस्तों, आप सबको पता होगा जो होता है ना अमलराज, अमलराज दोस्तों आपको सबको पता होगा किन किन अमलों का मिश्रण है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता है नाइट्रिक अमल और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। चलो एक बार सूत्र भी इनकी बात कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र दोस्तों HNO3 होता है, क्या होता है HNO3 होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों क्या होता है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों सूत्र क्या होता है H2SO4 होता है, और HCl किसका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, ये सूत्र भी दोस्तों आपको ध्यान रखने, सोना किस में घुल जाता है दोस्तों, ये अमलराज, अमलराज ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, दिया सिलाई में प्रयुक्त होता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दो, आप सबको पता है लाल पासपोर्ट कौन सा उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, लाल पासपोर्ट आपको पता है तिल्ली होती है ना जो मतलब माचिस की तिल्ली, वो भी लाल पासपोर्ट थी, वही क्वेश्चन है दोस्तों, दिया सिलाई मतलब दिए से संबंधित हम बात करें तो ये कौन सा लाल पासपोर्ट यूज में लिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्या है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो दोस्तों वो गैस मतलब किससे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है एसिटिलीन से, किससे बनाई जाती है दोस्तों एसिटिलीन से बनाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ, वो रेगुलर क्लास होगी दोस्तों, ये बताना चाहूँगा, मंडे टू फ्राइडे होगी, शनिवार और रविवार की क्लास नहीं होगी, होगा तो मॉडल टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
14 आपकी स्किन के सामने लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। तो इसका मतलब आप सबको बता रहा हूँ माल्टेज है। क्या है दोस्तों? माल्टेज या माल्टेस जो भी है दोस्तों ये है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 की तरफ आपके स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों, इसका भी जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जहां तक होगा मैं जल्दी जल्दी आपको करवाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। दोस्तों यदि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या क्वेश्चन? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों आप सबको पता होगा पेट्रोल में कौन सा, यानी आपका ऑप्शन में बी राइट होगा, टेट्रा एसिल लेड होता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन है बी राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के मतलब काम में लिया जाता है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता है दोस्तों बेंजीन है। क्या है? ड्राई क्लीन यानी शुष्क धुलाई के काम में कौन लिया जाता है? दोस्तों बेंजीन लिया जाता है। इसका सूत्र भी दोस्तों याद रखिएगा, C6H6 होता है। दोस्तों बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? दवा बनाने में काम में लिया जाता है। दवा बनाने में दोस्तों निम्न में से कौन सा काम में लिया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है बेंजोइक अम्ल है। दोस्तों बेंजोइक अम्ल है वो किसके मतलब दवा बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्या है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन सही दे पाते हैं। तो आप सबको पता है कार्बन होता है दोस्तों, तो कार्बन के मतलब सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं आप सबको पता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कार्बन का सूत्र हम बात करें या प्रतीक सी होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? हेयर विधि। दोस्तों क्या है? हेयर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों ये क्लास साइंस की है, सामान्य विज्ञान की क्लास है, तो ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम रोजाना 40-50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और आपको पता है रेगुलर क्लास लोगे तो ऐसा आपको तैयार कर देंगे। कोई भी एग्जाम दे लेना, भले आर्मी ट्रेडमैन हो, कोई सा भी हो दोस्तों, कलर्क हो, या हम बात करें टेक्निकल के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो नर्सिंग असिस्टेंट है या कोई सी भी वैकेंसी हो जैसे रेलवे NTPC या साइंस, हम कवर करवा देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता है इसका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? ए राइट होगा, यानी लोहा काम में लिया जाता है, फेस कहे या लोहा कहे। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या है? नीला स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से दोस्तों जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको बताए फेरस सल्फेट होता है। दोस्तों क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है। इसका सूत्र भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जल्दी से लाइव चैट में जवाब दो इसका सूत्र क्या होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या है? रेयोन रेशे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, यानी रेयोन रेशे है वो किससे तैयार किए जाते हैं? तो आप सबको पता होगा रेयोन रेशे दोस्तों वो सेल्यूलोज से मतलब हम बात करें तो प्राप्त किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? दोस्तों तो आप सबको बताओगा नाभिक का आकार कितना होता है दोस्तों, यानी नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो दोस्तों कितनी होती है? 10 × 10⁻¹⁵ होती है। दोस्तों 10⁻¹⁵ मीटर होती है, ये किसकी है? नाभिक की त्रिज्या है। और आपकी बात करें दोस्तों परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या दोस्तों 10⁻¹⁰ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या दोस्तों कितनी होती है? ये परमाणु की होती है, ध्यान रखना। और परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻¹⁰ दोस्तों, ये आपको दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? निम्न में अस्थायी कण है। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो दोस्तों निम्न में अस्थायी कण कौन सा है आपको पता होगा, जल्दी से जवाब दो। आपको पता है न्यूट्रॉन है दोस्तों, अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन दोस्तों एक अस्थायी कण है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। दोस्तों इसका भी जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। दोस्तों जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको बता होगा किसी परमाणु के गुण होते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, यानी उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वो त्यागी का, उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है, या कहे बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। उसके मतलब गुण है जो कौन से गुण?
परमाणु के गुण है ना वो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता होगा विटामिन B12, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये मतलब जो दोस्तों आपको पता है जो बायोलॉजी क्वेश्चन हो गए ये तो दोस्तों आपको याद ही करने पड़ेंगे, और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स होती है वो थोड़े आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों आप सबको बताऊंगा सबसे हल्की धातु पीछे मैंने बता भी दिया है, लिथियम है। दोस्तों कौन सी लिथियम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, दोस्तों बी राइट होगा। और सबसे हल्की गैस या बात करें तत्व की बात करें तो वो हाइड्रोजन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है वसा विलय होता है। दोस्तों वसा विलय होता है किस में विलय होता है वसा, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो वसा दोस्तों आप सबको बताऊंगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक बार दोस्तों जल्दी सूत्र देने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको बताए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, CCl4 होगा। ये दोस्तों आपको ध्यान सूत्र भी ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों आपको पता है वसा विलय होती है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये सूत्र होता है, काफी बार आया हुआ अभी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है एस्पिरिन बनाई जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता है एस्पिरिन दोस्तों साथ साथ लाइव चैट में जवाब आप भी देते रहिएगा। एस्पिरिन दोस्तों बनाई जाती है आपको पता है थैलीकमल से बनाई जाती है। दोस्तों किससे बनाई जाती है, थैलीकमल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके उनके सामने आ गया, क्या है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों मतलब ऊपर हमने पूछ लिया एस्पिरिन बनाया किससे जाता है, अब पूछा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, आप सबको बताएं एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके उनके सामने आ गया, क्या है सबसे भारी धातु है। दोस्तों आप सबको बताऊंगा सबसे भारी धातु कौन सी है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। दोस्तों आप सबको बताया ओस्मियम धातु और सबसे भारी धातु होती है, आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे हल्की आपको बताई दिया लिथियम धातु है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों आपके उनके सामने क्या है स्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों माइसिलिन के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। तो आप सबको पता है दोस्तों बर्क्समैन है, कौन है बर्क्समैन है, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये वैज्ञानिकों के नाम आपको खोजकर्ता है वो ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों चलो आज मैं एक PDF भी दोस्तों आपको हमारे जो ग्रुप में जुड़ गया उनको देने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है। यदि आप अभी तक हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ चैनल वहाँ भी जुड़ सकते हो। दोस्तों आप वहाँ आपको PDF भी अब मैं देना शुरू कर दूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन आज मैं देने की कोशिश करूंगा जो भी हमने पढ़ा है इसका, और आगे थोड़ा बहुत मैटर होगा उसका भी मैं PDF देता रहूंगा दोस्तों। और जो भाई चैनल पे नए वो सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों साथ साथ, और क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी लंबी क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ तो आपको भी लाइक करने का हक बनता है, और क्लास पूरी होने के बाद एक बार सभी को शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आगे, क्या है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है जल का शुद्धिकरण किया जाता है, आप सबको पता होगा, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लोरीन द्वारा, ये एक रासायनिक विधि है दोस्तों, हम कह सकते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन मतलब गैस के द्वारा हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आपके उनके सामने क्या है सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा। दोस्तों मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता निम्न में से दी गई तत्व में किसकी अधिक है। दोस्तों जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, तो आप सबको बताएं निम्न तत्व में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, यानी विद्युत ऋणीय है यह तत्व अधिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आपके उनके सामने क्या है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आप सबको बताऊंगा ये पूना में दोस्तों कहाँ है, पूना में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके उनके सामने क्या है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सबको बताए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, इसका मतलब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है। दोस्तों इस गैस का उपयोग किस में किया जाता है, आप सबको बताऊंगा जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी फ्रिज होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक रेफ्रिजरेटर में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, एक बार लाइव चैट में आप जवाब दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। रासायनिक रेफ्रिजरेटर में अब मतलब इसका प्रयोग कम करना शुरू कर दिया है,
मतलब विकसित देशों में, भारत में भी इसका यूज थोड़ा थोड़ा होने लगा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्या है, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यानी आपका क्वेश्चन है टेफ्लोन किसका बहुलक है, आप सबको पता होगा टेट्राफ्लोरो एथेन का है ये बहुलक, किसका है दोस्तों टेट्राफ्लोरो एथेन का एथीन का बहुलक है टेफ्लोन, है ना वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है संश्लेषित रेशा है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होगा संश्लेषित रेशा निम्न में जो दिए गए उनमें कौन है दोस्तों, रेयोन है, आपको बता भी दिया कृत्रिम कहे या संश्लेषित कहे एक ही बात है दोस्तों, कृत्रिम और संश्लेषित एक ही बात है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, कांच पर लिखने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है, यानी दोस्तों कांच होता है ना उस पर लिखने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप सबको पता है हाइड्रोफ्लोरिक अमल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है हाइड्रो कमल का उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्या है, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, समुद्री जल से नमक मतलब अलग करने की विधि को मतलब कौन सी विधि यूज में लेते हैं, आप सबको बताओगे दोस्तों वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल होता है वो तो मतलब वाष्पीकृत हो जाता है और नमक हमारे मतलब शेष रह जाता है जिसका हम यूज कर लेते हैं बाद में। दोस्तों ये थी आज की क्लास, दोस्तों एक बार लाइव डेट में दो जवाब दो कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई है दोस्तों, क्लास को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नया था वो सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों एक से अधिक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मत जुड़िएगा, समझ में आ रहे क्या, यानी हमारे 3-4 जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में नहीं जुड़ना है दोस्तों, आप एक में जुड़ जाओ, क्योंकि आपको पता है सारे ग्रुपों में एक ही चीज आएगी, तो एक आप किसी भी ग्रुप में एक में जुड़ चुके हो तो सभी में मत जुड़ना, यदि आप दो एक से ज्यादा में जुड़ गए हो तो वहां से रिमूव हो जाना, एक ग्रुप में ही रहना है, क्योंकि यदि आप सभी ग्रुपों में मिले तो दोस्तों आपको मतलब हम निकाल भी सकते हैं, तो आपको एक ही ग्रुप रहना है ध्यान रखना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, आपको पता है व्हाट्सएप में सीमित संख्या होती है 257-258 जो भी है, तो इतने बच्चे ही थोड़ी है, बहुत सारे तैयारी करने वाले हैं, तो मतलब ग्रुप फुल हो रहे हैं, तो हम नए नए ग्रुप बना रहे कोई दिक्कत नहीं, तो सब ग्रुपों में आपको मिलती रहेगी सब सामग्री, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए आप सभी ग्रुपों में मत रहना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्लास दोस्तों कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर आपको पता है कल दोस्तों शनिवार है और रविवार है, रविवार को हो सकेगा तो मॉडल टेस्ट कराऊंगा और सोमवार से हमारी सारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैथ की क्लास भी 7:30 बजे वाले सोमवार को शुरू हो जाएगी और जो बाकी की क्लास है वो ये शाम को 9 बजे रहेगी, आपको ध्यान रखना है, अपने सारे दोस्तों को बता देना कि यहाँ लाइव क्लास है फिर से शुरू हो गई है, हमारा पिछला बेंच दोस्तों सफलतापूर्वक तैयार किया गया था आप सबको पता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।